हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आप में से काफी लोग कह रहे थे कि हॉट एंड कोल्ड एसी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, और 2023 में अगर हॉट एंड कोल्ड एसी लेना है तो कौन सा एसी लेना बेस्ट रहेगा वो बताऊं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपके सभी सवालों को कवर कर सकूं। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको एक हॉट एंड कोल्ड एसी लेना है, या फिर अगर एक नॉर्मल एसी भी लेने वाले हो आप, तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि हॉट एंड कोल्ड एसी को ड्यूल पर्पस एसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये एसी आपको साल भर कंफर्ट देता है, यानी कि गर्मियों में ठंडी हवा देता है और सर्दियों में गर्म हवा देता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं आखिर हॉट एंड कोल्ड एसी काम कैसे करता है और ये कैसे अलग होता है एक नॉर्मल एसी से। अगर आसान शब्दों में कहूं तो कूलिंग करने के लिए एक एसी जो प्रोसेस फॉलो करता है, हीटिंग करने के लिए एसी अपने उस प्रोसेस को रिवर्स कर देता है, बस इतना ही फर्क है। और अगर टेक्निकली बताऊं तो एसी में इस फंक्शनैलिटी को लाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उनमें सबसे मेन कॉम्पोनेंट होता है रिवर्सिंग वॉल्व। ये रिवर्सिंग वॉल्व थर्मल एनर्जी के फ्लो को रिवर्स करता है, इन सिंपल वर्ड्स रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रिवर्स कर देता है, जिससे हॉट कंडेंसर एक कोल्ड एवेपोरेटर की तरह काम करने लगता है और हमारे रूम में ठंडी हवा की जगह गर्म हवा पंप करता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप एक ऐसे ब्रांड का हॉट एंड कोल्ड एसी लें जो इस प्रोसेस को करने का स्पेशलिस्ट हो। इस वीडियो के लिए मैंने काफी सारे ब्रांड्स के एसीज को आपस में कंपेयर किया, क्योंकि लगभग सभी ब्रांड हॉट एंड कोल्ड एसी ऑफर करते हैं, लेकिन उन सभी को कंपेयर करने के बाद मुझे डाइकिन का हॉट एंड कोल्ड एसी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा, और उसकी वजह है डाइकिन एसीज की कूलिंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी और इनकी आईसीआर वैल्यू। इस वीडियो को बनाने से पहले डाइकिन के हॉट एंड कोल्ड एसी की परफॉर्मेंस को मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके आया हूं अपने एक फ्रेंड के घर पर, जिसने लास्ट ईयर मेरे ही कहने पर डाइकिन का हॉट एंड कोल्ड एसी लिया था। और उस एसी की परफॉर्मेंस को पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं आपको ये कह पा रहा हूं कि डाइकिन का FTHT मॉडल यानी हॉट एंड कोल्ड सीरीज का एसी ही आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप ड्यूल कंफर्ट एसी लेना चाह रहे हैं। तो डाइकिन ब्रांड की क्या खासियत है, इनके एसीज में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि हॉट एंड कोल्ड एसी ज्यादा बिजली खाता है या फिर रूम हीटर। तो डाइकिन के FTHT एसी की बात करूं तो ये एक इन्वर्टर सीरीज का एसी है, तो डेफिनेटली कम बिजली खाता है, और इसमें एक फीचर होता है इकोनो मोड। उस फीचर को अगर हम यूज करें तो एनर्जी कंजम्पशन को और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी ऑयल हीटर या फिर रूम हीटर के मुकाबले हॉट एंड कोल्ड एसी काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हॉट एंड कोल्ड एसी हमारे रूम में ड्राइनेस के लेवल को इंक्रीज करते हैं। जी हाँ, ड्राइनेस होती है, लेकिन किसी भी हीटर के मुकाबले डाइकिन के एसी 30-40% कम ड्राइनेस करते हैं। तो हमें एक ऐसे ही ब्रांड का एसी लेना चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता हो। हॉट एंड कोल्ड एसी की इंस्टॉलेशन की बात करें तो जैसे एक नॉर्मल एसी इंस्टॉल होता है वैसे ये हो जाता है, कोई स्पेशल कंपोनेंट नहीं चाहिए। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जब आप इस एसी को हीटिंग मोड पे चलाते हैं तो इसकी आउटर मशीन से पानी निकलता है, तो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे आउटडोर यूनिट को किसी ऐसी जगह पर लगवाना होता है जहां पर वाटर ड्रिपिंग से कोई इशू ना हो। इस एसी की मेंटेनेंस में भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है, बस इस एसी को आपको टाइम टू टाइम सर्विस करवाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हॉट एंड कोल्ड एसी हम एक नॉर्मल एसी से ज़्यादा समय के लिए चलाते हैं, या यूं कहूँ साल भर चलाते हैं, तो ऐसे में पीरियोडिकली सर्विसिंग ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डाइकिन के FTHT सीरीज के जो एसी हैं वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसे में डाइकिन वाले अपने हॉट एंड कोल्ड एसीज के ऊपर भी 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं, 5 ईयर की वारंटी पीसीबी के ऊपर देते हैं और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर के ऊपर देते हैं, जो आपको किसी भी हीटर में तो मिलने से रही। एक सवाल और आता है कि कितनी सर्दी के मौसम में ये एसी काम करेगा, तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर टेम्परेचर -10 डिग्री भी हो जाए तब भी डाइकिन का FTHT एसी काम करता है।
तो अगर आप ये सोचकर डर रहे हैं कि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और इतनी ज़्यादा ठंड में ये एसी काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप बेफिक्र होकर डाइकिन का हॉट एंड कोल्ड एसी ले सकते हैं। अब तक हमने हॉट एंड कोल्ड एसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखा। अब अगर डाइकिन के FT-ST सीरीज की बात करें तो ये एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एंड 3-स्टार रेटिंग के साथ आता है। डाइकिन के FT-ST सीरीज का आईसी वैल्यू 4.39 है और ये मॉडल आपको 1 टन 1.5 टन एंड 1.8 टन कैपेसिटी में मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि डाइकिन के एसीज में कुछ खास फीचर्स होते हैं और इनकी कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज भी, जैसे कि इनका पेटेंटेड नियो स्विंग कंप्रेसर जो हेल्प करता है फास्टर कूलिंग एंड हीटिंग करने में, और ओवरऑल एसी की ऑपरेटिंग साउंड को भी ये कम करता है जिससे आपको मिलता है क्वाइट ऑपरेशन। दूसरा, इस एसी में आपको ड्यूक्लीन टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी जो ऑटोमेटिकली आपके इंडोर यूनिट के हीट एक्सचेंजर को क्लीन करती है टू एंश्योर हाइजीन एंड बेटर एयरफ्लो। एयरफ्लो की बात करें तो इस एसी में आपको 3D और क्वांडा एयरफ्लो सिस्टम मिलता है। ये दोनों मिलके इंश्योर करते हैं कि रूम में स्टडी एयर सर्कुलेशन हो और एयर रूम के हर कॉर्नर तक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके अलावा एसी में एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर्स भी होते हैं जो हवा को साफ करते हैं। ये फिल्टर्स डस्ट, पॉलन, बैक्टीरिया और एलर्जेंस को हवा से हटाकर साफ हवा को सर्कुलेट करते हैं। इससे आपके रूम की हवा हमेशा क्लीन बनी रहती है। पावर कंजम्पशन को लिमिट करने के लिए इस एसी में इकोनो मोड का फीचर भी दिया गया है। इसके अलावा और भी काफी फीचर्स आपको इनके एसीज में मिल जाते हैं, जैसे कि PM2.5 फिल्टर जो एयर में मौजूद वायरसेस एंड बैक्टीरियाज को ट्रैप करता है और आपके रूम में क्लीन एंड हेल्दी एयर देता है। उसके बाद आपको सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर मिल जाता है, गुड स्लीप ऑफ टाइमर, पावर चिल ऑपरेशंस और स्टेबिलाईजर इनसाइड जैसे सभी एडवांस फीचर्स आपको इनके हॉट एंड कोल्ड एसी में भी मिल जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डाइकिन हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनिंग सीरीज के बारे में जानकर आप अपना मन बना पाए होंगे कि हॉट एंड कोल्ड एसी आपको लेना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से ये एसी आपके कंफर्ट के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।